अगली खबर में बात करते हैं सुपरस्टार सुनील शेट्टी को लेकर। आपको बता दें कि सुपरस्टार सुनील शेट्टी को मध्य प्रदेश का खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने पूरे परिवार के साथ ना सिर्फ खाना खाया बल्कि प्रदेश की आबोहवा की भी जमकर तारीफ की। एक्टर अपने परिवार के साथ बीते दिनों मंडला के कान्हा घूमने आए थे। सड़क मार्ग से लौटते समय जबलपुर के पास उमरिया स्थित एक ढाबे में परिवार के साथ खाना खाया और मध्य प्रदेश की जमकर तारीफ की। ढाबा संचालक दिलीप खत्री ने बताया कि 5 जनवरी को सुपरस्टार सुनील शेट्टी अपने परिवार के साथ मंडला से लौटते समय उनके ढाबे में रुके थे। इस दौरान उनका पूरा परिवार मौजूद था। सुनील शेट्टी करीब 1 घंटे तक परिवार के साथ रुके थे। ढाबा संचालक दिलीप खत्री ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने वेज खाने की फरमाइश की। सुनील शेट्टी और उनके पूरे परिवार ने छोले भटूरे, आलू के पराठे खाए और लेमन जूस पिया। ढाबा संचालक ने बताया कि सुनील शेट्टी कह रहे थे कि उन्हें यहाँ का खाना इतना अच्छा लगा कि उनका पेट भर गया पर आत्मा नहीं भरी। उन्होंने मध्य प्रदेश की हरियाली की भी जमकर तारीफ की। सुनील शेट्टी ने कहा कि मुंबई की दौड़ धूप भरी जिंदगी से आपके मध्य प्रदेश की हरियाली और शांति बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि अब तो बार बार मन करता है कि वह मध्य प्रदेश आएं और यहाँ की हरियाली को देखें। करीब 1 घंटे तक ढाबा में रुकने के बाद सुनील शेट्टी अपने परिवार के साथ डुमना एयरपोर्ट गए और फिर वहां से मुंबई के लिए रवाना हो गए और उनको यहां का वेदर बहुत अच्छा लगा। हमारे यहां का भोजन भी उन्हें बहुत पसंद आया और मध्य प्रदेश की काफ़ी तारीफें करी उनने कि मध्य प्रदेश का नेचर बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है और बॉम्बे में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं लेकिन यहाँ पर बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगा।